स्वागत है। सबसे पहले क्या हो गया, मतलब ये कहाँ खो रही हैं आप? बस थोड़ा सा कुछ है ऐसे दिमाग में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है एक्चुअली एक साथ। एक ही चीज चल रही है। मिनी ज्यादा बेहतर जानती है एक्चुअली क्या चल रहा है, मुझे बबीता तो लॉस्ट है। बहुत चीजें चल रही है, एक ही चीज पे फोकस है बट। और वही चीज के बारे में मुझे पता है नहीं, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बना रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट हिंट्स ढूंढ रही हूँ ताकि मुझे पता चले बेब्स के मन में एक्चुअली चल क्या रहा है। हनुमान अंकल के बारे में क्या चल रहा है बेब्स, क्या चलना चाहिए, क्या चल रहा है? मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बिल्कुल अनजानी हूँ, कुछ कुछ हो रही है, चीजें घट रही है अपने आप, कहीं और कुछ कुछ होता है। क्या राहुल राज, वो कौन सा डायलॉग था? हाँ तुम नहीं समझोगे, बस कुछ कुछ तो हो रहा है। बाकी क्या होता है, होता है नहीं होता है, ये तो आप जब एपिसोड देखेंगे तब पता चलेगा, या फिर मिनी को पहले पता चलेगा। कुछ कुछ ना होने में मिनी को बड़ा घाटा हो रहा है। नहीं नहीं घाटा तो नहीं हो रहा एक्चुअली, मिनी का बस फियर है लव के लिए। शी इज़ नेवर अगेंस्ट हर बेब्स गेटिंग मैरिड, बट उसका यही है कि वो उसकी बेब्स की खुशी उसके लिए सब कुछ है, उसकी बेब्स उसके लिए हर किसी से बढ़ के, पूरी दुनिया से बढ़ कर है। और बेब्स तो चाहेगी, मिनी ऑब्वियसली उसका साथ देगी जैसे हमेशा देती आई उसके डिसीजंस में। तो जो बेब्स की मर्जी, इसलिए वो पता लगाने की कोशिश करे कि बेब्स एक्चुअली फील क्या करती है, ताकि उस बेब्स की मर्जी के हिसाब से वो आगे स्टेप्स ले सकती है। सो शी इज नॉट अगेंस्ट बेब्स एंड हनुमान अंकल कमिंग टुगेदर। अरे अभी पता लगा रही ना, अभी तक हिंट ही नहीं दिया इन्होंने, इतनी बार ट्राई कर चुकी हूँ मैं, अभी तक एक हिंट नहीं मिला मुझे कि क्या चल रहा है बेब्स। बेचारी बेब्स को पता होगा तो बताएगी ना, उसे भी नहीं पता। बताओ अभी तो मैं गाने सुन रही हूँ, अंदर भी कुछ गाने बज रहे हैं मेरे, बाहर भी गाने गाने बज रहे हैं। गानों का सीजन चल रहा है पटियाला बेब्स में, हर तरफ से म्यूजिक ही म्यूजिक प्ले हो रहा है। I don't know, I mean, it depends कि कैसे पता चलेगा। And I feel जैसे मैंने अभी बोला कि बेब्स की खुशी में मेरी खुशी, मैंने हमेशा उसका साथ दिया ही है। And obviously वो हनुमान अंकल को भी एज ए कैरेक्टर काफ़ी अडोर करती है, काफ़ी मानती है हनुमान अंकल को, रोल मॉडल है वो उसके लिए, तो शी वुड माइंड देम कमिंग टुगेदर। लेकिन पहले उसको जो लव का फियर फैक्टर है उसके मन से, वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो उसके पापा जी ने उसकी बेब्स के साथ किया है उसके बाद वो टूट गई है, उसने अपनी माँ को टूटते हुए देखा है, तो वो एक डर हमेशा रहता है कि कहीं वो वापस ना टूट जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है ये, क्योंकि ये मैंने पहली बार बनाया है, अश्नूर पहले भी कुछ जगह जाकर बना चुकी है, तो मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। और किसी भी सीन से ज़्यादा मैं तो एक्साइटेड थी कि ये कैसे बनती है, और जो कलाकार आते हैं जो इन मटकियों को बनाते हैं, आई थिंक देखने लायक होता है वो कैसे चंद मतलब पलों में वो उसको शेप दे देते हैं अपने हाथों। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई मीन फर्स्ट टाइम यू ट्राई, दे ऑलमोस्ट टुक 6 months of training to you know get expertise in making all those pots, so it's not easy. बहुत interesting था, और उसकी वजह से हमारा सीन भी बहुत खिलकर आया, बहुत उभर कर आया। अभी एक प्रोमो भी आया है नया बबीता हनुमान का, जो इसको मेकिंग पे ही है, तो बहुत सुंदर सीन बन गया। हाँ जी। तो मेरा डायलॉग था सुबह कि दिल में बहुत दर्द है, पर एक्चुअल में कमर में दर्द था, थोड़ा स्लिप डिस्क हो गया है, अभी चल ही रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे वायरल हो गया था, उसमें भी लगातार शूट करना पड़ा, अब बैक पेन है, फिर भी शूट लगातार करना पड़ रहा है। आई गेस दिस इज व्हाट द एंटायर थिंग इज अबाउट, जो होता है कि द शो मस्ट गो ऑन, दीदी इज नॉट वेल, आई हैव माय एग्जाम्स, शूट स्कूल से डायरेक्टली इधर शूट पे आके, देन अगेन गोइंग टू फॉर एग्जाम्स, शी स्टडीज, यहां पैक अप होने के बाद, तो वी आर बोथ वर्किंग हार्ड। थैंक यू, थैंक यू। या एक्चुअली जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं अशोक, उनके साथ कुछ कंट्रोवर्सी है अभी, जो वालिया के साथ हुआ है, तो उसके बारे में हम अभी क्या बताएं। तो वो अचानक चलती शादी में मेरे पास वो लेटर आ गया, जिसमें पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे करके कुछ एक चीज़ें हैं जो सीज होने वाली हैं, तो उस सारी कंट्रोवर्सी के बीच में हो रहा है। तो ये शादी जैसी हो रही है, वैसे आपको पता लगता है कि आपका पूरा घर परिवार सब कुछ बिकने वाला है?
अब वो एक्चुअली सस्पेंस है, वो बिकने वाला है या वो जब्त हो गया है या उसके साथ और क्या होने जा रहा है, ये तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक पटियाला वेब्स देखते रहें, उन्हें पता चलता रहे। नहीं, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, हम चाहते हैं कि आज ये शादी हो जाए और हो रही है, तो क्योंकि अभी तक सिर्फ मुझे ही पता चला है शादी तो हो ही रही है और मैं सबको देख भी रहा हूँ कि शादी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि हो जाए। लेकिन इस शादी में जैसे देख रहे दूल्हा दुल्हन बहुत एक दूसरे से खपा, वो एक्चुअली एक रात पहले कुछ ऐसी बातें हो गई थी घर में जिसकी वजह से उन दोनों की नाराज़गी चल रही है, तो वो भी मैं दोबारा से कहूँगा, आप एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बात हुई। लेकिन कुछ है जो आपको इस एपिसोड के दौरान बहुत मज़ा आने वाला है, कुछ एक नई चीज़ें खुल कर आने वाली हैं, कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको और उदास कर देने वाली हैं। तो वैसा वही आपने बहुत सही पकड़ा कि दूल्हा दुल्हन के चेहरे उदास क्यों हैं, वो जानने के लिए देखते रहिए पटियाला। तो शादी कैसे हो रही है, क्या रिवाज है, एक बंगाला ने एक पंजाबी है, किस तरह की शादी हो रही है यहाँ पे? तो हमने आई थिंक बंगाली रिवाज फॉलो किया है, देयर इज अ मिक्स एंड मैच ऑफ ट्रेडिशंस, क्यों, क्योंकि ये लोग पंजाबी हैं और मेरे साइड के बंगाली है, तो मेरे लिए अच्छा है एज हुनर, क्योंकि मैं सरदारनी हूँ, पंजाबी हूँ, तो असली शादी उसी तरीके से हुई थी, तो एज एन एक्टर ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि एक अलग 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 चीज़ों में ढलने का मौका मिल जाता है आपको, तो आई थिंक एक बंगाली शादी, एक बंगाली कल्चर कैसे होता है उसमें ढलने का मौका मिल गया बंगाली। तो एक्चुअली मैडम की शादी हुई थी वो सरदारनी से हुई थी, सरदारों वाली शादी हो रखी है इनकी और ये दूसरी बंगाली वाली शादी भी हो गई है, और कौन कौन सी शादियाँ करना चाहेंगे? पंजाबी हो गई, बंगाली हो गई, महाराष्ट्रियन, क्रिश्चियन, कितनी क्रिश्चियन अभी तक नहीं करी है मैंने, बट या लास्टली आई थिंक हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप सब लोग जो हमें प्यार देते हैं, हमारे किरदारों को जो हमें जितना पसंद करते हैं, पटियाला वेव्स को पसंद करते हैं, जितना हेट्रेट आप इन्हें देते हैं और जितना सिंपथी प्यार आप मुझे बबीता मिलनी ऑफकोर्स सब लोगों को देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग, एंड देखते रहिएगा और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकें। लेकिन अभी यहाँ पर जो शादी की कोशिश पूरे परिवार वालों के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी हलचलें मची हैं, तो क्या हलचल चल रही है? बेसिकली मेरे मॉम डैड इनसे खुश नहीं है, इनके मॉम डैड मुझसे खुश नहीं है, हम दोनों के मॉम डैड खुश नहीं है कि हम लोग शादी कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं जो काफ़ी परेशान कर देती हैं, जिसके कारण सब परेशान हैं। और जीवन में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ फैसले लेके बहुत दूर आ जाते हैं, कि वो इतने दूर आ जाता है कि उसके बाद हम एक ऐसे कटघरे में खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हमें ये पता नहीं चलता कि हम इतनी हिम्मत नहीं रहती पीछे मुड़ने की, तो आई थिंक एक वही एक डिलेमा है जिस डिलेमा के अंदर ये मीता चीज़ों के साथ बही जा रही है विदाउट रियलाइजिंग कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग इधर 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 क्योंकि आप बहुत ही प्यारा वाइट एंड रेड जोड़ा आपने पहना है, आप पंजाबी दुल्हन हैं, आप बंगालन दुल्हन नजर आ रही हैं। जोड़े के बारे में क्या बोले, इसका तो कॉम्प्लीमेंट हमें श्रेय उन लोगों को देना चाहिए जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, आई थिंक आवर स्टाइलिस्ट तृप्ति शुड गेट द श्रेय द क्रेडिट फॉर दिस, जो इतने अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स लाते हैं। एंड मेन बात तो मेरे ख्याल से दर्शकों का लास्ट व्यू रहेगा कि आप लोगों को हमारी जोड़ी कैसी लगी, इससे पहले हम बताएं हमारी जोड़ी हमें तो बहुत पसंद है, आप बताइए कृपया करके कि हमारी जोड़ी कैसी लगी आपको। ओके, आपने कुछ और पूछा था, आई एम सो सॉरी, आपके लोग के बारे में पूछ रहे, जोड़े नहीं लोग के बारे में, जोड़े मैं माफी मांगता हूं, इट्स ओके, इसके बारे में तभी स्टाइलिस्ट हूं मैंने कुछ। देखिए हम लोग लड़के हैं, हमें जो कपड़े मिलते हैं हम पहन लेते हैं, मेरे लिए कपड़े भी मेरी मॉम या मेरी बहन खरीदती है अभी तक, तो ये कपड़े जो भी हमें मिलते हैं हम पहन लेते हैं, हाँ ये है कि पहनने के बाद अच्छे लग जाते हैं भगवान की कृपा से, दैट्स इट। पर ये देखिए ये है, इनको कोई भी आप वस्त्र बना दीजिए, कोई भी रंग बना दीजिए, इनमें खूबसूरत ही लगना होता है। डिजाइनर के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहता है। या एंड थैंक यू सो मच, बहुत से फैंस है जो कि मेरे लुक को, मेरी साड़ीज़ को लेकर और मेरे जो भी ड्रेसेस रही है वो बहुत पसंद करते हैं, तो मुझसे कई बार ये पूछा जाता है, तो सास बहू और साजिश की तरफ से वो मैं बहुत 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 सा जो भी ड्रेसेस पहनती हूँ, तो
Tripti is the one who you should contact. She is the one who is the designer and who gives me nice clothes to wear. Because she is the one who we should give credit to. Yeah. We are taking visual for the clothes. Okay, na? शादी तो आपने देखी लेकिन उसके आगे क्या होगा उसकी कहानी जाने के लिए कृपया देखते रहे और मेरी आवाज अच्छी नहीं है तो प्लीज आप समझ सकते हैं मुझसे अच्छी आवाज इनकी है किसने बोला आपकी आवाज बहुत ही मधुर है जब आप गाती हैं तो कुछ चिड़ियाएं भी आके बैठ जाती हैं ये कौन सी चिड़ियाएं हैं वैसे उनका भी नाम अशोक है मैंने कई जगह देखा तो किस तरह की तैयारी आपकी सेट पे चल रही है एज वी कैन सी फुल सजा धजा हुआ है आज हमारा पूरा घर अगर आप देखें हमारे कुर्सी टेबल गायब है आज मंच शादी का लगा हुआ है ये हमारा सेट है और ये जो बदमाश जा रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर है अरविंद जी हमारे पेमेंट इधर से ही आती है बाकी आप देख सकते हैं तैयारियाँ गेंदे के फूल मुझे बहुत पसंद है तो गेंदे के आप इस तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है शादियों के फेरे लगने वाले मेरे ख्याल से हम अभी बंगाली से कर रहे हैं क्योंकि आपके मम्मी पापा हैं माँ
बाबा आए हुए, तो हम लोग अभी बंगाली स्टाइल से कर रहे हैं, उसके बाद अगर मौका मिला तो हम पंजाबी स्टाइल से भी करेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर।